तो यहाँ पर अबूजी आज हम लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल की हो आप? मैं 22। 22 की? मैं एक साल की, छोटा भाई 6 माह का था जब पापा ने छोड़ दिया था हमें, इसलिए तो फिर मम्मा ने, फिर हम बड़े हो गए, फिर मम्मा कहती थी मैं बाहर काम के सिलसिले में चली जाती हूँ तो घर में अकेली आपको नहीं छोड़ सकती, इसलिए उन्होंने भी रिश्ता। तो कितने साल की थी जब आपकी मम्मा ने आपकी शादी कर दी? 18 साल की थी मैं जब मेरी शादी कर दी उन्होंने। अच्छा, 18 साल की अब थी आपकी मम्मा ने शादी। कितने बहन भाई हो वैसे आप? हम 3 बहन भाई हैं, एक मुझसे बड़ा भाई है, एक मुझसे छोटा भाई है। तो भाई मजदूरी करते हैं, तो मतलब काम सीखते हैं, घर का खर्चा जी बहुत छोटे हैं। शादी कर दी, अभी मैं घर का काम काज भी इतना नहीं कर सकती थी। अच्छा। हाँ जी, मैं सालन भी इतना मतलब नहीं बनाती थी क्योंकि ज्यादा मम्मा ही बनाती थी, चूल्हे का काम मैं ज्यादा नहीं कर सकती थी। तो फिर मम्मा ने कहा मैं आपको ऐसे नहीं बिठा सकती क्योंकि मैं घरों के काम करने के लिए जाती हूँ, तो इसलिए मेरी शादी कर दी उन्होंने। फिर मैं मतलब खाना वगैरह ज्यादा मैंने ससुराल में मतलब के आता था मैं, हाँ जी पकाना सीख लिया। अच्छा, हाँ जी। मियाँ क्या करते थे? कुछ भी नहीं, पहले उन्होंने बहुत कुछ कहा कि ये रिक्शा चलाता है, मतलब हर कारोबार मतलब भी कर लेता है। अच्छा। तो लेकिन मैंने जाके देखा तो मतलब उन्होंने रिक्शा चलाना भी छोड़ दिया, स्कूल के बच्चे उठाता था वो भी छोड़ दिया। क्यों, आपके जाते ही? हाँ, मेरे जाते ही। तो फिर मैंने सबसे उनसे घर वालों से पूछा, नहीं ये करता है काम क्यों नहीं करता? मैंने कहा फिर मेरे आने के बाद क्यों नहीं करता? बहुत ज्यादा परेशान करता। मैंने कभी मम्मा को भी बताया, मम्मा कहती है ये काम पे क्यों नहीं जाता? जब भी मम्मा फोन करती थी तो पूछती थी तो ये काम पे नहीं होते थे, घर में होते थे। तो फिर गुजर बसर कैसे चल रहा था? वो सासु माँ थी ना मेरी, तो वो थोड़ा बहुत खर्चा कर देती थी, तो वो घर के मतलब के सामान वगैरह ले देती थी, तो चलो बना लेती थी। वो भी क्या, ज्यादा आलू ही बनते होते थे। आलू? हाँ जी, ज्यादा आलू ही बनाते होते थे। अच्छा। तो इतने में मतलब के कभी वो भी ताना दे देती थी कि अपना कमाओ। मतलब उसने खुद तलाक दिया आपने मांगी? मैं जलील हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि जब औरत के पास एक पैसा भी ना हो तो वो क्या करे। तो ऐसे में मैं क्या करती? मैं घर बसाना एक औरत के ही हाथ में होता है ना, जब औरत के पास पैसा नहीं होगा वो खाना कहाँ से लेगी, वो सब्जी कहाँ से लेगी, आटा कहाँ से लेगी, घी कहाँ से लेगी, कहाँ से बनाएगी, कहाँ से खाएगी। तो ऐसे में मैं जब अम्मी के घर आती था, यहाँ पे मुझे बहुत जलील करता था, मुझे बहुत परेशान करता था। मतलब अम्मी घर में नहीं थी, अम्मी के घर में भी तो कुछ नहीं नजर आया ना इन्हें। मैंने तो अपने घर बसाने की बहुत कोशिश की है कि मेरा किसी तरीके से घर बस जाए, लेकिन उन्होंने लेकिन मुझे डिवोर्स दे दिया। तो मैंने अपने मामू को भी भेजा, अपने मतलब जो हमारे तलाक दे दी थी आपको, कितनी सी बात पर उन्हें तलाक दे दी बगैर किसी बात पे? वो जज्बात हो गए थे ना कि मेरी बात नहीं मानती। अच्छा। है भी अपनी अम्मी के घर चली जाती है छोटी छोटी बात पे, तो भी मैं तो ऐसा नहीं करती थी ना, वो खुद ही हमारे पीछे मतलब के आ जाते थे। तो लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना घर बसा लूं, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं मैं अब आपको रखना नहीं चाहता। अच्छा, रखना नहीं चाहता? जी, मेरी मम्मा भी हालांकि बहुत बीमार है, बहुत मतलब कि हम गरीब थे, तो मतलब गरीब हैं अभी, तो फिर भी मेरे छोटे 2 भाई हैं, तो लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं हम आपको अब आप तुम्हारे साथ मैं आप जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। उन्होंने मुझे बात ही बहुत ज्यादा था, गुस्सा भी बहुत करता था। अच्छा, नशा वशा तो नहीं करता था? नहीं नहीं, नशा वगैरह तो नहीं करता था। तो फिर ये आप पकाते हो, आपकी मम्मा नहीं पका सकती? आप यहाँ पे जब काम करती हो तो काम तो आप अपने ससुराल में भी करती होगी? जी करती थी। अच्छा। वहाँ का सारा खाना मैं ही बनाया करती थी, सुबह दोपहर शाम। अच्छा। हाँ जी, सास मेरी नहीं, वो बस बीमार वो भी रहती थी, वो बस लेटी रहती थी। अच्छा। उन्हें मतलब चारपाई पे खाना देना 3 वक्त का मैं खुद ही जी मैं ही देती थी। ऐसी बहू में मिली हुई थी जो सास को चारपाई पे बैठा के खाना खिलाती जी, फिर भी उन्होंने नहीं रखा क्योंकि मैं यतीम थी ना, तो उन्हें पता था ये इनके घर से इतना कुछ तो नहीं मिला है, इसलिए वो उन्होंने इसका भी एक जी था जी इसलिए। तो मेरी बूढ़ी माँ है वो देखिए बैठी हुई, वो भी बीमार रहती हैं, फिर क्या करती, फिर मम्मा ने जैसे कैसे सहारा दिया है, फिर मैं उनके घर में बैठी हुई हूँ। अम्मा बेवा बैठी हुई है जी, उनके पास आके जी बस। दूसरा था ना रिश्ते जो कराता है, उसने धोखा दिया, उसने बताया लिया ये लड़का भी अनपढ़ है, ते बोलता भी थतल के था, सही थतल के बोलता था। हमने कहा चलो ठीक है, जा अनपढ़ है तो हमारी बच्ची का गुजारा हो जाएगा, तो नहीं उन्होंने गुजारा नहीं किया,
बंदे बहुत लालची थे। अच्छा वो लालची कुछ नहीं था कुछ भी था वो इसके पीछे मांगने के लिए आते थे। आपकी माँ ने दहेज नहीं दिया हमको, ये नहीं किया वो नहीं किया, बस फिर इस तरह वो कह रहे जैसा हमें पैसा दो हमारा बेटा कारोबार कर दिया, अनपढ़ है पैसे पैसे भी जो गिनता था उसको पता नहीं लगता 10 में 4 चल गए ये कितने बचते हैं। अच्छा। ये उसको पता नहीं चलता था। हाँ जी नहीं पता चलता। हाँ जी वो हाँ उसको मिर्गी दौड़े रात को पढ़ते जो संभालते। एक दफा तो मैं तो मेरे भतीजा उधर गए थे इस तरह बैठे बैठ बिल्कुल ठीक ठाक बातें करता रहा। हमने कहा चलो थल के बोलता कोई बात नहीं। फिर जो अचानक जो उसको दौरा पड़ गया फिर आपने होश वास नहीं जो डॉक्टर को बुला ले जी इसको मैदे की बीमारी जो डॉक्टर कह नहीं ये तो मैदे की तो बीमारी है नहीं इसको। फिर हाँ। मुझे डॉक्टर कह जी इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और अब फिर मैं बातें सुनती लोगों की रिश्तेदारों की बातें सुनती क्यों वो कहते बेटी को तलाक दवा के बैठा लिया आपने बेटी को तलाक दिलवा के बैठा लिया पहले खुद शोहर ने छोड़ दिया था फिर अब बेटी थी बड़ी 18 साल की तो उसकी फौरन शादी की है वो भी घर आके बैठ कितना सा आप रहे हो ससुराल में सिर्फ सात माँ इसके ऐसा जलील किया ना बहुत जलील किया इसको। मैं जैसे आपके सामने बैठी मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं थी मैं इससे भी ज्यादा वीक हो गई थी। अच्छा उन्होंने रात दिन मुझे इतना मतलब के जलील किया है घर का काम माशाल्लाह घर भी बहुत बड़ा था ये नहीं थी घर में कोई कमी नहीं थी लेकिन उनके ना दिलों में कमी थी कि उन्हें इज्जत देनी नहीं आती थी गाली गलूच मतलब ताने देना किस चीज के ताने यही कि तुम यतीम हो तुम्हारे बाप ने छोड़ दिया है तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ ने कैसे तुम्हें पाला है ये बहुत खुशी हुई है कि आप हमारे घर पहली बार में आए कुछ रिश्ता बन के आया लेकिन हम देहात में रहते हैं मेहनत मजदूरी कर लेते हैं फसलों में तो जो कोई गुजारा कर लेते हैं। सही से देहात में मेहनत मजदूरी बाहर फंसते हैं ना वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं। जैसे मेरी बेटी कहनी से किस तरह किसी के बिना हो अल्लाह तआला सब की बेटी एक नसीब अच्छे करे बेटी दे तो वो बस कहते हैं बेटी से डर नहीं लगता उनकी नसीब से तो डर लगता है। नसीब से डर लगता है। हाँ जी अल्लाह ताला इस बहन का इंशाल्लाह बहुत अच्छा नसीब करेगा आप परेशान ना हो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बस दुआ करना हां जी बच्चे भैजन क्या हाल है कितने क्या रेट है इनका नहीं भैजन रेट तो बड़ा ज्यादा है तो ऐसा बड़ा सस्ता गिन के बने 8-8 हजार 7-7 हजार गिन के बने तो इतना रेट दसी महंगी थी गई मंडी में हम आए हुए हैं खरीदारी कर रहे हैं मोल भाव कर रहे हैं देखते हैं अब और कितने हम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान भाईजान ये क्या रेट है इन दोनों का 14-14 हजार पे जब मुनासिब तो आप नहीं बता रहे ना भाईजान क्या रेट बता रहे हैं भैया मुनासिब तो नहीं बता रहे कम करे रेट देनी होती है हमने आप वही रेट बताया करें हमें जो मुनासिब होता है 13-13 हजार फाइनल दे देंगे चले जी ठीक है 13-13 हजार फाइनल ले भैया ये क्या रेट है इन दोनों का भैया इनका 14-14 हजार ये तो मुझे काफी छोटी छोटी लग रही है ये देखिए छोटी नहीं है आप चेक करो ये इतनी छोटी का आप 14-14 हजार मांग रहे हैं खैर तो है वो खड़ी है वो आप ले लो फिर छोटी भैया नहीं कम पैसे मांग नहीं नहीं ये वो बहुत ज्यादा छोटी है ये ले लो हाँ आप हमें यही दो दे दे बस अच्छा ये दो ले लो हाँ वो साइड पे कर ले ये इनका कितना कितना हो जाएगा फाइनल 14-14 हजार ले लो 14-14 हजार नहीं है आप कम करें बहुत ये गरीबों को देनी होती है हमने ऐसे नहीं होता अच्छा आप बता दे कोई मसला नहीं 13-13 हजार रुपया हम देंगे आपको चलो ठीक है कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान भाईजान क्या रेट है इनादा क्या वजह भाईजान 20 हजार के ले लें अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान जैस जैस रेट लाओ सके को देमणे अच्छा लाला 18-18 दे रो चाव वो ले ले चंगे 18 नहीं भाईजान इनादा तो 15-15 हजार दे सो फाइनल 15-15 हजार हां फाइनल इन के ज्यादा आसानी से ठीक है तो गरीबों को देने कोई नहीं चाव वो बनो तो क्या रेट है 40 हजार की में यार आज आज तो मंडी कोई ज्यादा ही रेट अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी बच के ना दे तो ये इसका फाइनल आप कितना दे देंगे आप नहीं ये बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप भाईजान इनका 15-15 हजार देंगे पहले भी लेते हैं हम आज भी लेते नहीं भाईजान इससे चले भाईजान 17-17 हजार 18-18 नहीं बस 17-17 ये पैसे गिन ले आप।
अबू जी ये हाशिम है मेरा भाई, इसका भी चैनल है टूर एंड ट्रेवल के नाम से, पता है मैं आपका भाई हूं। तो दुनिया को बता रही हूँ तो सब देखे, तुम हमारी कम्युनिटी में से मिलेगा बड़ी अच्छी वीडियो। ये कहाँ लेकर जा रहे हो, पता है अंदर कोई है भी सही? बाजी तो उधर ठहरिए, चलो खड़े रहो, अस्सलामुअलैकुम बाजी इधर आओ। तो माशाल्लाह अबू जी ये बाजी के बेरी का दरख्त है ना, वो खाना शुरू हो गई है बकरियाँ। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ आप मेरे लिए लेके आए हैं। मैंने बाल का बकाई भी बहने दी, हाँ रेट पे जब लग गए तो बेचूंगी, फिर इनसे कोई अच्छी, अगर सही रेट पे ना लग रहे हो फिर क्या कहेंगी? फिर इन्हें पाल लूंगी के लिए। अच्छा, मुझे बहुत शौक रहता है कि मैं बकरी के लिए घास लेके आऊँ, उन्हें डालू। हाँ जी हाँ जी, उन्हें पालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बकरियों को पाल के क्या फायदा होता है? बहुत सा फायदा होता है, बंदा अपनी गर्ज पूरी कर लेता है, कोई मुश्किल वक्त काम आ जाते हैं। अच्छा सही सही। तो अबू जी आज हम लोगों ने रमजान का राशन देना शुरू किया, राशन में थोड़ा सा मेन्यू चेंज किया, आप जरा करीब से दिखाइएगा। ये आधा किलो वाले पैकेट है, ये जो घी के है ना, ये आधा किलो वाले पैकेट है, ये एक किलो सूजी है, ये एक दो तीन चार किलो चीनी है, एक दो तीन चार पांच किलो चावल है, दो किलो बेसन है, दो किलो खजूर है, और इसमें 10 ये पास्ता है और ये बूंदियां हैं, इसके अलावा जामेश्वरी है और ये आटा भी है। तो ये हमारा रमजान का पैकेट है और ये दालें भी हैं इसमें, एक किलो ये चने की दाल है, एक किलो ये वाली दाल है, एक किलो ये चने हैं और एक किलो ये, यानी कि दो किलो चने हैं, एक किलो चने की दाल है, एक किलो मिश्री और लाल पीली दाल जो होती है वो वाली दाल है। हाँ जी, अल्लाह ने दिया है बाजी, हम तो गुनहगार इंसान है, अल्लाह ने वसीला बनाया है हम इन बाजी तक पहुँचे। बकरियाँ रखने का बकरियों का फायदा क्या होता है? अच्छा आज आप बताएं, दुनिया को भी बताएं कि मुझे प्यार भी आता है, प्यार भी होता है बकरियों से। प्यार करती है, अच्छा बहुत प्यार करती है बकरियों से माशाल्लाह, लेकिन रख नहीं पाती थी ना। तो इनका ये भी होता है कि फिर ये इनको सेल करके ना 6 महीनों बाद बंदा और बड़ी बकरी ले सकता है, फिर उसको उसमें से छोटी छोटी और हो जाती है, जरूरियात पूरी होती रहती है। सारे हम जो अब शुक्र है अल्लाह ताला का जो हमें दिया, हमने हाँ जी हाँ जी, चलो इंशाल्लाह 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 सहर अफ्तार आसानी से कर सकेंगे। तो आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी से ही मैंने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया कि इन इलाकों में शायद मैं फिर ना आ सकूं, अभी 10 दिन रह गए, 10-12 दिन रह गए, तो ये साथ साथ हो जाए ना, काफी कोई ख्याल रखा है, अपने में जगह नहीं है, वो अमीर ज्यादा है ना, हमारे नहीं सुनते, अपने अमीर हो गए हैं ना। चले अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह मेरी बहन का नसीब बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, इंशाल्लाह मैं भी दुआ करूंगी अल्लाह आपकी बेटी का नसीब बहुत अच्छा करेगा। और कपड़े तो दिए ही नहीं है, तो बाजी ये आपके लिए सूट है माशाल्लाह बिल्कुल, और ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं, और इसमें भी कुछ बच्चों के कपड़े हैं, ये शूज है, और ये माशाल्लाह कुछ और कपड़े हैं आपके बच्चों के, ठीक है बाजी, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह मियां आपको तरक्की दे, आपको ऐसे ही खिदमत करते रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम बहुत खुश हुए आप आए हमारे लिए राशन लेके, हमें बहुत खुशी। हाँ जी हाँ जी, बहुत परेशान थे इफ्तारी कैसे करेंगे, इफ्तारी कैसे करेंगे, चलो अब तो इंशाल्लाह आसानी से कर सकेंगे ना, ठीक है। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे खुशबख्त बीबी को, उनका बहुत शुक्रिया, ये साथ में बकरियां भी दी हैं और रमज़ान का राशन भी है, जज़ाकल्लाह खैर, और उन सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका, ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है, और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है, और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे, और ऑल लिखा हुआ है इसको भी क्लिक कर देंगे, अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।